बच्चों का इस गाँव में सबसे ज्यादा हमारा, सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, उनको तकलीफ होता है। लेकिन मोदी सरकार चुप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप ये सब कर करके हमारे इन युवाओं को देखिए, बेचारे परेशान है। 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, हर दिन उनका एक वीडियो आता है। हमारे नेताओं से लोग मिले हैं, लेकिन अपना दर्द किसको बयां करे, अपना दर्द किसको बोले? क्योंकि मोदी सरकार तो सिर्फ अपने में ढूंढे हैं। उनको नाम बदलने का चिंता है, उनको काम का चिंता नहीं है। पूरा अंडमान का वर्ल्ड वाइड का मैप पे अंडमान निकोबार का जो राजधानी था, कोर्ट बिहार करके सब जानते थे। लेकिन आज पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री को श्री विद्यापुरम करके इन्होंने मारा है। इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा पार्टी इसका एजुकेशन को जारी रखेगा और नहीं कहेगा कि ये कोर्ट बिहार काम चलना चाहिए, श्री विद्यापुरम नहीं चाहिए हम लोग को। हमारा सेंटिमेंट जुड़ा है, हमारा सेंटिमेंट इससे जुड़ा है। अंडमान का लोगों का कोर्ट बिहार से नाता है, अंडमान का लोगों का इससे रिश्ता है। कोर्ट बिहार हमारे दिल में है। कई लोगों ने फोन किया, बोला कोर्ट बिहार करके देखो मैडम आपको नींद नहीं आता, इस तरह का नाम बदल दिए, हम लोग का सेंटिमेंट पे लगा है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? क्या अहंकारी सरकार? तो आप लोगों को ये सब सोचना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस का जब सरकार था तो 10,000 रुपए में भी आदमी अपना गुजारा करता था। आज 1,00,000 रुपया लेके आओ, महंगाई इतना है, आपको सोते वक्त रात को नींद नहीं आएगा कि कल का गुजारा कैसे होगा। सबसे अहम बात है कि आज हम लोग सब यहीं पर बैठे हैं तिरंगा पार्क में। हमने पहले भी सोशल मीडिया में हम लोग बताया कि हमारा एक जॉइंट कांग्रेस, हमारे डीएमके, हमारा समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर जो है, आपको मालूम है पूरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तथा हमारा इस देश की सरकार दोनों मिलकर जो है हमारा अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदल दिया है, श्री विजयपुरम नाम रखा है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग सब धरना में बैठा है, हंगर स्ट्राइक में बैठा है। एक दिन का टोकन हंगर स्ट्राइक पहला शुभारंभ करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सबको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है कुछ होगा नहीं है, लेकिन हमारा ये आवाज जो है अंडमान निकोबार तथा मेनलैंड तक पहुंचे हमारा ये आवाज को कि ऐसा ये मोदी सरकार कर रहा है। मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रहा है, हमारा अंडमान का डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे इससे बचने के लिए आप बताइए अंडमान का क्या भला होगा? आज पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ है, ये नाम चेंज करते हैं, इससे भला क्या होगा? आज आप मेडिकल के तरफ में देखिए, एक MRI मशीन नहीं है, एक CT स्कैन मशीन काम नहीं कर रहा है। इतना बड़ा हमारा जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा मेडिकल है, जीबी पंत हॉस्पिटल है, उसमें एक MRI नहीं है, MRI तक नहीं है। पेशेंट बाहर से आता है, एक एक महीना दो दो महीना वहीं पे एडमिशन, वहां पे एडमिट रहते हैं, बाद में वो चले जाते हैं, लेकिन उसका जो है MRI नहीं होता है, उसका CT स्कैन नहीं होता है, नहीं तो जिसका पैसा है वो मेनलैंड चले जाता है। आज ये परिस्थिति में जाए, इससे छिपाने के लिए आज मोदी सरकार, आज एडमिनिस्ट्रेशन ये अंडमान को जो है नाम, अंडमान राजधानी का नाम बदलने चाहता है। नाम बदलने से क्या होगा? आज एजुकेशन का क्या परिस्थिति है? आज टीचर नहीं है, आज एक एक स्कूल में आप जाइए आप लोग प्रिंसिपल नहीं है, आज स्कूल का स्ट्रक्चर का क्या परिस्थिति है, जो परिस्थिति में बच्चों ठीक से बैठने नहीं सकता है, आज इतना परिस्थिति में आज अंडमान राजधानी का नाम बदलने जाता है। अंडमान का पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने से क्या होगा आप बताइए? ये जो टूरिस्ट आता है, आज ये टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा? ये टूरिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। आज टूरिस्ट भाई लोग जितना भी हमारे टूरिज्म में काम करता है, आज क्या परिस्थिति है उनका? आज आए दिन हर जगह में सोशल मीडिया में देखता है कि आज यहाँ में EFR इतना ज्यादा कर दिया है। आज आप जाइए मेनलैंड या मेनलैंड से यहाँ में 15,000 से 20,000 रुपया चाहिए एक टिकट का, तो हमारा यहाँ में टूरिज्म का कहाँ से बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा? आज टूरिस्ट भाई लोग यहाँ पे कैसा आएगा अंडमान में? लेकिन ये सब नहीं देखते हुए उन्होंने लगा है अंडमान निकोबार के राजधानी का नाम बदलने से। अरे नाम बदलने से क्या होगा? आज रोड का परिस्थिति क्या होगा आप बताइए? रोड का परिस्थिति क्या है? आज NH4 में जाइए, आज 7 साल के अंदर में
कोई सरकार जो है ये सरकार बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है। अब अंडमान का नाम आप पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने से इसका डेवलपमेंट होगा? अगर ये डेवलपमेंट होता तो आप रोड बनाइए, आप रोड को डेवलपमेंट करिए, लेकिन NH4 का नाम दब्बा है, हजारों करोड़ वहां पे जो है करप्शन हो चुका है ये रास्ता के ऊपर में। आज वो रास्ता नहीं बन रहा है, आज कोई भी आप बताओ कुछ भी करो कितना भी नाम बदली दो लेकिन ये रोड नहीं बनेगा। आज रूरल रोड का क्या है? आज पंचायती राज व्यवस्था में कोई रास्ता का फंड है? आज फंड नहीं है। आज क्या परिस्थिति चल रहा है अंडमान में? तो इस तरह परिस्थिति को अंडमान वासी नहीं कहना या नहीं समझना, जिसके फलस्वरूप वो एक एक जो है मुद्दा लेके आता है कि अंडमान निकोबार का राजधानी का नाम बदल दो और इसी में चलेगा तो सारा डेवलपमेंट अब तो ऐसी ही है। लेकिन आदमी से लोगों से बचने के लिए, इसलिए बीजेपी का MP कह रहा है कि भाई दूसरा नाम दे दिया जाए, भारतपुरम कर दिया इसको, कि भाई विजयपुरम को जो है भारतपुरम रखा है। अब ये पहला ही अभी सोशल मीडिया में देख रहा है कि MP साहब साइन नहीं किया। MP साहब साइन नहीं करने से भी सबसे पहले अगर तारीफ किया तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी, इसके ऊपर मैं तारीफ किया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि ये भारतपुरम जो बना के मोदी जी भारतपुरम दिया, ये मोदी अमित शाह भारतपुरम दिया, ये सबसे बेहतरीन हुआ, इसमें पूरा डेवलपमेंट होगा। कहाँ होगा डेवलपमेंट? क्या डेवलपमेंट होगा? कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, और भी खराब परिस्थिति अंडमान में आने वाला दिन में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए हमारा ये कहना, इसके संदर्भ पे आज हमारा कांग्रेस पूरा इंडियन अलायंस सब मिलके जो है यहाँ पे हम लोग एक टोकन अंदर स्टैक रखा है, जिसके लिए सभी हमारा अपील है अंडमान निकोबार निवासियों से, हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी से कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आने वाला समय में जितना भी प्रोग्राम होगा उससे आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि ऐसा हम मजबूर करें हमारे जो केंद्र में सरकार बैठा है बीजेपी सरकार, हमारे अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करे कि भाई ये पोर्टलर का नाम जो बदल दिया है इनको हम वापस ले। आज आप लोग देख रहे हैं देश का माहौल कैसे बदल रहा है। ये बीजेपी सरकार के द्वारा ये जो नाम जो बदलने का जो ट्रेडिशन है वो आज बड़े जोरों पे चल रहा है। इसके विरोध में हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री रंगलाल हरदर जी और हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भास्कर जी के नेतृत्व में हमने आज ये हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया है। आप देखते हैं देश का माहौल, आज एक तरफ लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती है, जहां हमारे बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, नौकरी की समस्या है, सड़कों की हालत खस्ता है, बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, इन सब समस्याओं को एक तरफ करते हुए मोदी सरकार जो अपना मनमाना जो रवैया अपना रही है, जो नाम बदलने का काम कर रही है, उससे कांग्रेस पार्टी काफी नाराज है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ एक नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो 50-70 सालों से ये नाम चला रहा है, अचानक से रात में जो ये जो बोलेंगे हुक्मरान जो बोलते जबरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है ये नाम, क्योंकि अंडमान के लोगों का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ नाम है पोर्ट ब्लेयर। हर एक बच्चा जानता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, लेकिन इसको डायरेक्ट लोगों का सेंटिमेंट से मारा जा रहा है। इससे हमारे द्वीपों में नहीं बल्कि टूरिज्म क्षेत्र में भी बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड में आप देखते हैं गूगल में अंडमान निकोबार का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर के नाम से साफ साफ जाहिर है, और सारे लोग जितने टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनका भी यही कहना है, जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत क्षति पहुंची है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना जल्दी क्या था ये नाम बदलने का, और भी बहुत सारे काम थे बीजेपी सरकार को करना चाहिए था, लेकिन वो सब ना करते हुए ये नाम बदलने का जो प्रथा है उनका पता नहीं कहां से उनका दिमाग में ये आता है, क्योंकि लोगों का ध्यान जो खास जो मुद्दा उससे हटाने का प्रयास किया जाता है हमेशा। इससे पहले भी उन्होंने माउंट हेरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इससे क्या हासिल हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है, उनको लोगों को जो बुनियादी जरूरत का चीज नहीं मिल रहा है। पुराना जो नाम है वो पोर्टलर नाम वापस दिया जाए, प्रशासन से भी मैं ये दरखास्त करना चाहूंगी कि ये नाम जो पोर्टलर जो नाम है ये पोर्टलर नाम को हमको वापस दिया जाए, श्री विजयपुरम नाम को वापस लिया जाए। जैसे कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस तिरंगा पार्क में वन हंगर स्ट्राइक रखा गया है। ये हंगर स्ट्राइक आप सभी को मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले इस पोर्टलर सिटी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने आज तिरंगा पार्क में वन हंगर स्ट्राइक रखा है, और कांग्रेस पार्टी इस सरकार से सवाल करना चाहता है कि ये जो
कोट ब्लैक स्थिति का नाम बदल कर ये जो श्री विजय को आप लोगों ने रखा है, ये किससे पूछ के रखा है? आप लोगों ने किन स्टेक होल्डर से बात किया? आप लोगों ने किन पॉलिटिकल पार्टी से बात किया? आप लोगों ने अपना मन मर्जी से ये कोट ब्लैक स्थिति का नाम बदल कर श्री विजय को रखा है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं है, ये डीएमके का अपमान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का अपमान नहीं है, ना इंडिया अलायंस का अपमान है। ये अपमान उन सभी द्वीपवासियों का है जो लोग ये कोट ब्लैक सिटी में रहते हैं। ये उन सभी का अपमान है जो लोगों ने अपने बाप दादा खो दिया इस देश को आजादी दिलाने के लिए। आज ये अपमान को ना कांग्रेस पार्टी से आएगा, ना इंडिया अलायंस से आएगा। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ इंडिया अलायंस के पार्टनर ने आज अनुष्ठान का आयोजन किया है। एक और विश्व उपाध्यक्ष कहते हैं कि मैंने नेम चेंज को लेकर साइन नहीं किया। एक उसी सेकंड पार्ट देखा जाएगा तो सबसे पहला बंदा था विष्णु पद्रा, वो बना था जो सरकार का जो डिसीजन एक्सेप्ट किया था, वेलकम किया था और अपने वीडियो में उसने कहा था। लेकिन बहुत शर्म की बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद को, जो अंडमान निकोबार सांसद को ये श्री विजयपुरम बोलने नहीं आता। ये नामकरण उनके बाप माँ बाप ने किया है, चाचा बड़ा फूफा ने किया है। अमित शाह मोदी ने एक नामकरण किया पोलबैक श्री रामबाद श्री विजयपुरम रखा है, लेकिन उन्हीं का बेटा विष्णु पद्रा को ये नाम बोला नहीं आता। ये बहुत शर्म का बात है विष्णु पद्रा के लिए। और विष्णु पद्रा जी और सरकार जो जनता को मुद्दे भटकाने काम करता है, ये जनता का भटकाने का मत करिए। ये सरकार नामकरण वाली सरकार है, ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है। जैसे हमेशा कहता हूँ, ये सरकार जनता के मुद्दे में काम नहीं करता है, ये सरकार जनता के मुद्दे में टच नहीं करता, काम नहीं करता है। सरकार सिर्फ और सिर्फ नामकरण करता है। मैं आज ये मन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरे देश ने पूरे विदेश में देखा होगा किस प्रकार से आंदोलन किसानों को देखा था। एक आंदोलन किसान का पूरे देश ने देखा, पूरे विदेश ने देखा। वो दिन अंडमान निकोबार का मत लाइए, नहीं तो ये अंडमान निकोबार के भी आंदोलन पूरा देश और पूरा विदेश देखेगा। लेकिन श्री विजयपुरम नाम को भाई कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करेगा, ना इंडिया अलायंस एक्सेप्ट करेगा। कांग्रेस பெரிய கட்சி உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆதரவினை தந்து இந்த பெயர் மாற்றத்திற்கு எதிராக உண்ணாவிரத போராட்டமும் பொதுக்கூட்டமும் நடைபெற இருக்கிறது. ஒரு வரலாற்று பின்புலம் மிக்க ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயருடைய பெயரை மாற்றி அவருடைய நீண்ட ஆய்வுகளுக்கு பின்னால் தான் அந்தமான் தீவில் முதல் முதலாக போர்ட் பிளேயரில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய ஆய்வை மேற்கொண்டு அவர் முதல் முதலாக இந்த பகுதியில் கொடியேற்றி இந்த பகுதியில் மக்கள் வசிக்க முடியும் என்பது பல்வேறு இன்னல்களுக்கிடையே ஆப்பிரிக்காவை எப்படி ஒரு இருண்ட கண்டம் என்று வரலாறு சொல்கிறதோ அதேபோல் அந்தமான் நிக்கோபார் பகுதியையும் ஒரு இருண்ட கண்டம் என்று வரலாறு சொல்லிய காலத்தில் பல்வேறு விஷப்பூச்சிகள் சாய்ந்து நிறைய பேர் அந்தமான் காய்ச்சலால் இறந்து இருந்த காலகட்டத்தில் ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயரும் காரன் வாலிசும் ஒரு நீண்ட ஆய்வை மேற்கொண்டு ஏறத்தாழ ஆறு மாத காலம் ஆய்வை மேற்கொண்டு கல்கத்தாவில் சென்று அந்த ஆய்வை சமர்ப்பித்து மீண்டும் வந்து இந்த பகுதியில் பிரிட்டிஷுடைய கொடியை சாட்டம் ஐலாண்டில் காரன் வாலிஸ் என்பவரும் ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயரும் அவரும் சேர்ந்து முதல் முதல் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய ஆதிக்கத்தில் இந்த ஊரை கொண்டு வந்தார்கள். பல்வேறு ஊர்களுக்கு பெயர்கள் மாற்றுகிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள், அதற்கான காரணம் இருக்கிறது. சென்னை என்பதை சென்னப்பட்டினம் என்பதை மெட்ராஸ் என்பதை மாற்றியதால் அதற்கு பின்னால் வந்த அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழக கலைஞருடைய அரசு சென்னை என்று பெயர் மாற்றியது. மும்பை பாம்பே என்பதை பாம்பே என்ற மும்பை என்ற பெயரை பாம்பே என்று மாற்றியதால் அதற்கு மும்பை என்று மாற்றினார்கள் ஆட்சியாளர்கள். ஆனால் ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயர் இந்த பகுதியை கண்டுபிடித்து கொடுக்காவிட்டால் இந்த பகுதியில் முதலில் இந்தியர்கள், இப்பொழுது நாம் இந்தியர்கள் என்று சொல்கின்ற பல்வேறு மாநிலத்திலிருந்து எந்த மக்களும் இந்த வராத பகுதியில் நீக்கிரிடோ இன மக்களும் அந்த நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸில் நிக்கோபாரி மக்களும் தான் வசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இந்த பகுதிக்கு வந்து ஆய்வை மேற்கொண்டு தன்னுடைய தியாகத்தால் ஒரு புதிய நிலப்பகுதியை இந்திய மண்ணுக்கு அளித்தவர் ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயர். அவருடைய பெயர் ஆர்க்கிபால்ட் என்பதை பிளேயரோடு சேர்த்து போர்ட் துறைமுகத்தையும் சேர்த்து போர்ட் பிளேயர் என்று இருக்கின்ற ஒரு அருமையான பெயரை நீண்ட காலம் இந்த மக்கள் பயன்படுத்திய ஒரு வரலாற்று பெயரை. ஆர்க்கிபால்ட் என்பவர் ஒரு ஆட்சியாளர் அல்ல, நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆர்க்கிபால்ட் வந்து ஒரு கடலாடி மாலுமி, ஒரு கேப்டன்.
ஒரு தன்னுடைய நீண்ட ஆய்வின் மூலமாக ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயருடைய தியாகத்தால் இந்த பகுதி இந்திய மண்ணிற்கு கிடைத்திருக்கிறது. ஒரு நீல் ஐலண்ட் என்பதை ஒரு ஆட்சியாளருடைய பெயரை மாற்றினார்கள், ஹேவ்லாக் என்பதை மாற்றினார்கள். அதுபோல இந்த ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயருடைய பெயர் வந்து ஒரு ஆட்சியாளர் அல்ல, இந்த பகுதியை கண்டுபிடித்து நமக்கு தந்தவர் ஒரு மிகப்பெரிய கடலாடி, கடல் மாலுமி. தன்வேறு இன்னல்களுக்கு இடையில் இந்த பகுதியை இந்திய நிலப்பரப்பிற்கு நமக்கு சொந்தமாக தந்த அவருடைய வரலாற்று பின்புலம் மிக்க அந்த பெயரை மாற்றியது இந்த ஏற்புடையதல்ல. இந்திய அரசிற்கு நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, ஒரு ஆட்சியாளர்கள் பெயரை மாற்றும் போது இங்குள்ள மக்களுடைய கருத்தை கேட்க வேண்டும். கருத்தை கேட்காமல், எந்த ஒரு மக்களுடைய ஆதரவும் இல்லாமல், மக்களுடைய ஆதரவும் இல்லாமல் மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் ஒரு பெயரை மாற்றுவார்கள். ஆனால் யாரும் கேட்காமல் பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தில் காலனி ஆதிக்க பெயர் என்ற ஒரே பெயரை மாற்றி அதுவும் ஸ்ரீ விஜயபுரம் சாம்ராஜ்யம் என்று சொல்கிறார்கள். ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் என்பதை நாங்கள், ஸ்ரீ விஜயபுரம் என்பதை கூட நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் புள்ள ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் ராஜேந்திர சோழன் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருந்தார். அதற்கு இல்லை என்றால் ஸ்ரீ ராஜேந்திர சோழபுரம் என்று பெயரை மாற்றுங்கள். ஸ்ரீ விஜயபுரம் என்பதை தேவையில்லை. ஒரு வரலாற்று பின்புலம் மிக்க ஆர்க்கிபால்ட் பிளேயருடைய பெயரை மாற்றியது மிக வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. அதை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மிக மிக பெரும் ஒரு கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. மக்களுடைய எந்த கருத்தையும் கேட்காமல், இங்கு ஆட்சியாளர்கள் இல்ல, சட்டமன்றம் இல்ல, ஆனால் லோக்கல் பாடிஸ் உள்ளாட்சி தேர்தல் அமைப்புகள் இருக்கிறது. எந்த பிரதிநிதியுடைய ஆதரவை கேட்காமல் அறிவித்துவிட்டு அந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுடைய அவர்களை நெருக்குதலுக்கு உள்ளாக்கி அவர்களுடைய கையொப்பம் பெற்று இந்த அரசு அறிவித்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கு ஜனநாயகம் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்துக்கு தோளோடு தோல் நிற்போம் என்று கூறி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீண்டும் மீண்டும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து முடித்து. ஏ படி ஷரம் கி பாத் கி ஹமாரே போர்ட்வேர் ஜோ ஹமாரே ஹம் சாரே லோக் ஜித்னே யஹான் பேட்டே தமாம் லோக் இஸ் அண்டமான் நிக்கோபார் மே ஜோ ரஹதே ஹே ஹமாரே ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் கே ஃபேமிலி கோ பிலாங் கர்தே ஹே ஔர் யே மோடி சர்க்கார் ஜோ ஹே இன் லோகோனே ஜிஸ் தரிக்கே சே நாம் பத்லா ஹே ஹம் இஸ்கா கண்டன் கர்தே ஹே கி நா தோ யே கிசி சே பூச்சா கயா ஹே कि ये नाम बदलना चाहिए या नहीं, और जिन लोगों ने इनको समर्थन किया हम उन सबका बहिष्कार करते हैं। पोर्टबेयर को पोर्टबेयर के नाम से ही पहचाना जाएगा। अगर नाम बदलने का इतना ही शौक है तो अमित शाह जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अपने गुजरात का नाम बदलिए, गांधीनगर का नाम बदलिए, ऐसी जगह का नाम बदलिए। पोर्टबेयर के बारे में उनको इतिहास हमेशा याद रखिएगा कि इतिहास बनाया जाता है, इतिहास मिटाया नहीं जाता है, और ये सारे लोग इतिहास मिटाने की काम कर रहे हैं। मैं इन सबको, और सबसे बड़ी बात यह और शर्मनाक बात यह है कि हमारा एकमात्र एमपी श्री विष्णुपद राय जी, इनको थोड़ी भी अकल नाम की चीज है, इन्होंने सोशल मीडिया में सारे टाइम रोने के सिवा कुछ काम नहीं करा। जो अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो आम समाज और जनता और पोर्टबेरी वासियों का जिम्मेदारी क्या उठाएगा। सारे दिन इन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किया जिनसे हमें ये लगे कि इन्होंने नया एमपी बन करके कुछ ऐसा काम किया है। इन्होंने जो भी काम किया है इनके जनता के विरुद्ध काम किया है। इनको खुद पता नहीं है कि इस पोर्टबेयर का नाम को बदल करके श्री विजयपुरम की जगह क्या रखा गया है। ये इनका कहना है भरतपुरम रखा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे एमपी को कि जिन्हें अपने ही नाम संसार के सरकार के नाम को बदला हुआ उन्हें बोलना नहीं आता। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ कि इस पोर्टब्लेयर को, क्योंकि हमारे जितने पूर्वज हैं ये सभी को, सभी की तरफ से मैं कहती हूँ कि अंडमान का पोर्टब्लेयर का नाम बदलना नहीं चाहिए। पोर्टब्लेयर का नाम पोर्टब्लेयर ही रहेगा। अगर चाहे आप जितने भी नाम बदल लो, आज जैसे आप हैवलॉक नील सबके नाम बदल लेकिन आज भी सारे लोग हैवलॉक और हर चीज वही नाम बोला जाता है जो पहले किया गया था, तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। बट जब पोर्टबेयर का नाम बदले तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और बहुत दूर तक उठाएंगे।